हेलो एवरीवन, अगर आपको इंडियन आर्मी के गड़गड़ाते टैंक्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको एयरफोर्स का आकाश चीरता हुआ फाइटर प्लेन अपनी ओर बुलाता है, और अगर आपका समंदर पर तैरती हुई इंडियन नेवी की सबमरीन में जाने का मन है, तो आपके लिए बेस्ट करियर चॉइसेस हो सकती हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। और इसके लिए आपका ड्रीम एग्जाम हो सकता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आज इस सेशन में डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको NDA के बारे में ही जानकारी देने जा रहा हूं। NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट्स अ गेटवे टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। NDA एग्जाम UPSC कंडक्ट करवाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और साल में दो बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है, NDA 1 एंड NDA 2। ये 2-स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में UPSC एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराता है, और स्टेप 2 में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू राउंड कंडक्ट करवाता है। NDA में सिलेक्शन के बाद आपको 3 इयर्स का डिग्री कोर्स ऑफर किया जाता है, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। 3 इयर्स का ग्रेजुएशन के बाद आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं तो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है, और अगर आप नेवल कैडेट बनते हैं तो आपको नेवल अकेडमी 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है, और अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट होते हैं तो आपको AFA हैदराबाद में 1.5 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है। अब इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि NDA अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, और इसमें एज लिमिट का भी एक क्राइटेरिया है। अगर मैं 2020 में होने वाले NDA की बात करूं, तो यहां पर NDA 1 के लिए यह कंडीशन जरूरी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 2nd 2001 से जुलाई 1st 2004 के बीच में होना चाहिए, और अगर NDA 2 में आप अपियर होते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2nd 2002 से जनवरी 1st 2005 के बीच में होना चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, तो क्लास 12th इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इंडियन आर्मी के लिए क्लास 12th किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए क्लास 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैं एग्जाम डिटेल्स की बात करूं, तो ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसका पेपर आता है। अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं, तो NDA 1 2020 में 19 अप्रैल को होगा, और NDA 2 6 सितंबर 2020 को होगा। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, तो जो स्टेज 1 है, यानी कि जो पेपर कंडक्ट होता है, इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, और इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इंग्लिश के और 100 GK के क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों ही पेपर्स 2.5 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं। पेपर 1 300 मार्क्स का और पेपर 2 600 मार्क्स का होता है, यानी आपका रिटन टेस्ट जो UPSC कंडक्ट करवाता है वो 900 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर इन पेपर्स में मार्किंग स्कीम में आपको समझाऊं, तो सबसे पहली बात आती है कि पेपर 1 में आपको पर क्वेश्चन करेक्ट होने पर 2.5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, और 1/3 मार्क्स यानी कि 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। पेपर 2 में करेक्ट होने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग होने पर 1.33 मार्क्स यानी 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का पेपर है, उसमें क्लास 11th एंड 12th का पूरा मैथ्स ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, जिसमें एलजेब्रा आ जाता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसमें कवर होता है, वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथमेटिक्स के पेपर 1 के सिलेबस में आ जाते हैं। और अगर पेपर 2 की हम बात करें, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है, तो ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 इंग्लिश का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का वेटेज होता है, और पार्ट 2 जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होते हैं और 400 मार्क्स इसका वेटेज होता है। जनरल नॉलेज में भी डिफरेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स, इस तरह के सभी क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स NDA 1 को या NDA 2 को रिटन पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें फिर स्टेज 2 यानी SSB इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल किया जाता है, और SSB इंटरव्यू राउंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, जो कि 4 to 5 डेज का प्रोसेस होता है, और SSB राउंड का भी 900 मार्क्स का वेटेज होता है। SSB राउंड बेसिकली इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं।
जो स्टूडेंट्स स्टेज वन क्वालिफाई करते हैं उन्हें ही स्टेज टू के लिए अलाउ किया जाता है। स्टेज वन फर्स्ट डे पर कंडक्ट होता है इन 5 डेज में से, और स्टेज वन में 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसको OIR बोला जाता है, और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसे PP and DT बोला जाता है। जो स्टूडेंट्स इसे क्वालिफाई करते हैं उनको सेकेंड राउंड के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है, और जो नहीं कर पाते हैं उनका SSB राउंड फर्स्ट डे पर ही क्लोज हो जाता है, और वो फिर NDA में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जो सेलेक्ट होते हैं वो स्टेज टू में आगे जाते हैं। स्टेज टू में इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टेस्टिंग राउंड होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और ये प्रोसेस 4 दिन में कंडक्ट किया जाता है। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल रहेगी, और इससे आप अपना NDA की प्रिपरेशन का एक बेसिक आइडिया बना सकते हैं। और इस तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, तो मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस करके रखें, ताकि आपको इस तरह के सेशंस का अलर्ट रेगुलरली मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।